हेलो फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बायोलॉजी वर्ल्ड की दुनिया में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के 15 ऐसे सवाल को करेंगे जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और इस बार के एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के दो टॉपिक लेंगे। जो पहला आपका टॉपिक होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और दूसरा आपका टॉपिक हो जाएगा प्लांट रिलेशन, सॉरी प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है। और बाकी इन दोनों टॉपिक का आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसका नंबर हमें लगता है 15 है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। रीज़न बीइंग कि ये आपके PYQ में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और एक लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये आपके नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ नॉन सेलेक्टिव वेयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ सेलेक्टिव। देखिए पैसिव क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ नॉन सेलेक्टिव बोल रहा है और वेयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ सेलेक्टिव। और ऑप्शन बी दिया हुआ है पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव सॉल्यूट सॉरी सॉल्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कॉन्फाइंड टू अन आयोनिक कैरियर प्रोटीन्स वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कॉन्फाइंड टू कटायन चैनल प्रोटीन। नेक्स्ट ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स मोर रैपिडली देन द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है, रैपिड सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर मोर रैपिडली देन द पैसिव ट्रांसपोर्ट। राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूव सॉल्यूट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो मूव करने के लिए उसे सॉरी उसे मूव कराने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2019 का ही है PYQ, और क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट। सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट फ्यूचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और टू सॉल्यूट इन प्लांट। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका अकर्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और बी ऑप्शन दिया हुआ है नॉन सेलेक्टिव है, सी दिया हुआ है अकर्स थ्रू अ मेम्ब्रेन, और डी है रिक्वायर्ड ATP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ फ्यूचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कौन सा फ्यूचर नहीं है ऑफ सॉल्यूट इन अ प्लांट, ऑफ सॉल्यूट इन अ प्लांट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन सेलेक्टिव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन नंबर कह रहा है वाटर इंटरिंग रूट ड्यू टू डिफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ। जो वाटर होता है रूट के अंदर डिफ्यूज होता है वो किस चीज़ का पार्ट है। फर्स्ट है ऑप्शन इंडो ऑस्मोसिस, और बी है ऑस्मोसिस, सी है आपका पैसिव ऑब्जॉर्प्शन, और डी है एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पैसिव ऑब्जॉर्प्शन। ये जो वाटर आपका रूट में इंटर करता है वो किसके थ्रू करता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, पैसिव ऑब्जॉर्प्शन के थ्रू। पैसिव ऑब्जॉर्प्शन इसे बोले तो डिफ्यूज़न भी बोल सकते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थोड़ा लंबा है, इसको अच्छे तरीक़े से पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट सॉरी इसको
देखते हैं, चलिए दिया हुआ है एन इनोवेटिव प्रोफेसर एक सॉरी एन इनोवेटिव प्रोफेसर हु वांटेड टू गिव अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। क्या करना चाहते थे? लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे ऑफ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। किस चीज़ का? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिल्ड अ ग्लास बॉटल विथ प्रीवियसली मॉइस्टेंड मस्टर्ड सीड एंड वाटर। ही स्क्रू कैप्ड द बॉटल एंड केप्ड इट अवे इन कॉर्नर। एंड नेक्स्ट आपका एंड के बाद पढ़ना है ना सर। एंड रिज्यूम हिज लेक्चर। फिर से क्या किया उन्होंने? अपने लेक्चर को रिज्यूम किया टुवार्ड्स द इंड्स ऑफ लेक्चर। इंड्स ऑफ लेक्चर देयर वाज अ सडन एक्सप्लोजन। उसमें क्या था? थोड़ा सा सडन एक्सप्लोजन था विथ अ ग्लास पीस ऑफ ए बोटल थ्रोन अराउंड। और आगे आपका कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेनन डिड द प्रोफेसर वांट टू डेमोन्स्ट्रेट। आगे दिया हुआ है वांट्स टू डेमोन्स्ट्रेट। इसमें से कौन सा फिनोमिनन था जो प्रोफेसर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे? इस स्टेटमेंट को और भी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाए। बाकी मैं अगले आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर मूव करता हूँ। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है डिफ्यूज़न, सेकेंड दिया हुआ है ऑस्मोसिस और थर्ड दिया हुआ है एनारोबिक रिस्पायरेशन और डी है इम्बाइबेशन। इसका राइट आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इम्बाइबेशन। जो प्रोफेसर थे इम्बाइबेशन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे। ठीक है नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन आपका ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इतना ही क्वेश्चन था, बाकी हम लोग करेंगे टॉपिक सेकेंड जो हमारा है प्लांट वाटर रिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग अपोप्लास्टिक पाथवे। इसमें से कौन सा अपोप्लास्टिक पाथवे के दौरान मूव नहीं करता है ऑब्जर्व ड्यूरिंग अपोप्लास्टिक पाथवे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका द मोमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ऑप्शन बी दिया हुआ है द मोमेंट इज एडेड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और सी दिया हुआ है अपोप्लास्टिक कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू मूवमेंट। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका मोमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपोप्लास्टिक कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। अपोप्लास्टिक क्या करता है? कंटिन्यूस करता है और किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर वाटर मूवमेंट के दौरान नहीं देता है। ठीक है और नेक्स्ट आपका प्लांट वाटर रिलेशन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विल। अगर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है आप इसे समझिएगा। एक आपका क्या है ये कंटेनर है। अब कंटेनर में क्या चीज़ अब सॉल्यूशन है एक किसी चीज़ का मान लो। अरे यार क्या कर रहे हैं कंटेनर है इसमें सॉल्यूशन है आपका वाटर का। इसमें क्या दिया हुआ है? वाटर है। अब इसमें मान लीजिए कि अगर हम ज़्यादा इसमें सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट अगर बढ़ता है इंक्रीज करता है तो वाटर पोटेंशियल क्या करेगा? इसका बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा या रिमेंस अनचेंज क्या रहेगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका देखिए ऑप्शन कह रहा है लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल। इसका क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल घट जाएगा।
बी कह रहा है मेक इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो, जो उसका वाटर पोटेंशियल होगा उसको जीरो कर देगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है नॉट अफेक्टेड द वाटर पोटेंशियल एट ऑल, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। और डी दिया हुआ है राइज इट्स वाटर पोटेंशियल, उसके वाटर पोटेंशियल में बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का अमाउंट अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, होप करते हैं पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बाकी आप लोग इसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से PYQ को करते रहिए। चलिए क्वेश्चन है द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग लॉस ऑफ वाटर, किस चीज़ की बात कर रहा है सर यहाँ पे, लॉस ऑफ वाटर इन अ लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है रूट प्रेशर, सेकेंड है इम्बाइबेशन, और सी आपका प्लाज्मोलाइसिस, और डी दिया हुआ है आपका ट्रांसपाइरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के वजह से जो ग्रास के आपका लीफ ब्लेड होते हैं इस पे वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग निकलते हैं और ड्यूरिंग द नाइट। और एक प्रोसेस होता है आपका गटेशन प्रोसेस भी होता है, तो गटेशन प्रोसेस किसके वजह से होता है, ड्यू टू रूट प्रेशर, रूट प्रेशर के वजह से होता है, ठीक है। होप करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है सर, जो आपका 2019 में पूछा गया था। अगर ऐसा यार क्वेश्चन अगर आज पूछ दिया जाए तो बहुत ही बेटर रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है उतना भी ईजी नहीं है, जो पढ़ लिए होंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है जहाँ तक हमें लगता है। और बाकी वीडियो में बहुत ज़्यादा अभी प्लांट वाटर रिलेशन का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अरे यार पढ़ना है तो वीडियो लंबा क्या देखना, आप थोड़ा अगर जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होगा उसे स्किप कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाइलम ट्रांसलोकेट, जाइलम क्या करता है, जाइलम किस चीज़ का ट्रांसलोकेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर एंड मिनरल सॉल्ट ओनली, बी ऑप्शन दिया हुआ वाटर मिनरल सॉल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली, और सी है वाटर मिनरल सॉल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, और डी दिया हुआ है वाटर ओनली। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है, जाइलम के थ्रू क्या करता है, वाटर मिनरल सॉल्ट और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन और हार्मोन्स क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नाइन क्वेश्चन नंबर कह रहा है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है जीरो, सेकेंड है आपका लेस देन जीरो, मोर देन जीरो बट लेस देन जीरो है शायद, और डी है आपका मोर देन वन। ये आपके नीट 2017 में पूछा हुआ सवाल है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीरो। देखिए वाटर पोटेंशियल और क्या आपका वाटर पोटेंशियल आपका हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा क्या होते हैं, प्योर वाटर के जीरो होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि ऐसे भी पूछ देगा द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, तो वहाँ पे आपको तो गड़बड़ा जाओगे ना। अगर मान लो आपको तो पता है कि वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, जीरो दिया भी होगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, इसलिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और वाटर पोटेंशियल होता है वो आपका क्या होता है, प्योर वाटर का जीरो होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है टू सेल ए एंड बी, दो सेल दिया हुआ है ए और बी, सेल ए हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, इसका OP दिया हुआ है कितना 10 atm दिया हुआ है, और टर्गर प्रेशर कितना है 7 atm, TP कितना दिया हुआ है 7 atm, और डिफ्यूज़न DPD
डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिस्ट कितना दिया हुआ है, 3 ATM दिया हुआ है, 3 ATM। और नेक्स्ट आपका सेल बी है, सेल बी का ओपी कितना दिया हुआ है, 8 ATM प्रेशर पे। और टीपी दिया हुआ है आपका 3 ATM। और डीपीडी दिया हुआ है, डीपीडी आपका एक मिनट, इसका दिया हुआ है 5 ATM, 5 ATM, 5 ATM दिया हुआ है। तो देखिए एक आपको हम लॉजिक बताते हैं, चलिए पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस इसका देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल बी टू ए, जो वाटर का मूवमेंट होगा बी से ए की ओर होगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है नो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा। और सी दिया हुआ है इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहेगा। और डी दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सेल ए दिया हुआ है, सेल ए से बी की ओर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट क्या होगा, सेल ए से बी की ओर। चलिए इसे समझ लेते हैं, एक आप लॉजिक ले लीजिएगा। चलिए ब्लैंक स्लाइड पे आ जाते हैं हम, ये क्या होता है डीपीडी, बात कर रहे थे किसकी, डीपीडी। एक आपका आप लोग का फॉर्मूला पता होगा डीपीडी का, डीपीडी क्या होता है सर, पहले आप इतना बताइए। डीपीडी होता है आपका डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिस्ट होता है। एक इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर्मूला होता है डी पी डी इक्वल टू ओ पी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस क्या होता है टी पी, टर्गर प्रेशर। तो देखिए क्या होता है, एक ये जो डी पी डी है आपका, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ चलिए कलर ठीक है, डी ई डी क्या कहता है, ये होता है आपका इट इज़ द टाइप ऑफ प्रेशर, जो डी पी डी होता है एक तरह का क्या होता है, प्रेशर का टाइप होता है, एक तरह का क्या है, एक प्रेशर है विच अपोज द डिफ्यूज़न, जो क्या करता है डिफ्यूज़न को अपोज करता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल, हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की ओर क्या करता है ये, हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल क्या करता है ये, और डिफ्यूज़न को अपोज करता है, ठीक है। और इसमें जो आपका सेल ए दिया हुआ था, सेल ए में आपका जो डीपीडी था, डीपीडी 3 ATM था सेल ए में, और सेल बी में कितना था, डीपीडी 5 ATM था। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है हमेशा लो डीपीडी टू क्या होता है, हाई डीपीडी। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर 10 दिया हुआ था, टर्गर प्रेशर 7 दिया हुआ था, और एटीएम कितना, 3 ATM कितना दिया हुआ था, डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिस्ट दिया था डीपीडी, और सेल बी का दिया हुआ था 5 ATM दिया हुआ था, 5 ATM यहाँ पे आपका क्या चीज़ का था, सेल बी का। तो आपका जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है सेल ए से बी की ओर हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है वाटर इंटर्स अ सेल ड्यू टू, सेल में वाटर इंटर करता है, सेल ए है और सेल बी है, ठीक है। अब यहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा किसके वजह से होता है, जो वाटर अगर मान लीजिए सॉलिड पोटेंशियल अगर इसका बढ़ेगा सर, अगर सॉलिड पोटेंशियल अगर बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, घटता है।
आपको हमने पिछले क्वेश्चन में कराया यही ना कि जो आपका वाटर पोटेंशियल कब घटेगा, जब सॉल्यूट पोटेंशियल की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर सेल में अगर सॉल्यूट पोटेंशियल की मात्रा अगर बढ़ती है SP, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर क्या करेगा, सेल ए से सेल बी की ओर मूव करेगा ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके AIPMT 1999 में और 1901 में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन अ सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर अ रूट टू प्लांट इज, सॉइल में वाटर अवेलेबल होता है रूट्स के लिए टू प्लांट इज, किस ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कैपिलरीज वाटर, बी है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और सी है ग्रेविटेशनल वाटर, और डी है केमिकल बाउंडेड वाटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि कैपिलरी वाटर होता है, क्या चीज़ होता है, रूट्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। इन अ सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर अ रूट्स, सॉरी सॉइल में अवेलेबल होता है कैपिलरीज वाटर, किसके लिए, रूट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। आप लोग को हमने पिछला क्वेश्चन में क्या करवाया था कि जो पिछला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हम क्या पूछा था, हमसे सिर्फ वाटर पोटेंशियल पूछा था। हमने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और देखिए आपके सामने है रिजल्ट। देखिए वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल हमने प्योर वाटर का क्या बताया था, 0 बताया था। तो आपको तो वाटर पोटेंशियल क्या पता है कि 0 होता है, 0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ऑस्मोटिक वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल ऑप्शन बी में 0 है, और वाटर पोटेंशियल ऑप्शन डी में 0 है। तो दो ही ऑप्शन हो सकता है, और फंस गए हमारे ऑप्शन कौन से, सी और ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें तो सी और ए तो हो नहीं सकता है, सी और ए को तो आप काट ही दीजिए, ये दोनों तो होगा ही नहीं होगा सर। और अब आपका फंस रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है प्योर वाटर का, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है प्योर वाटर का, अब 100 होता है या 0 होता है। तो हमने आपको इसीलिए वहाँ पे बताया था जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका प्योर वाटर का, वो क्या होता है आपका, 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ़ द टर्जिडिटी ऑफ सेल सराउंडेड बाय अ वाटर इंक्रीज, जो वाटर सेल के आसपास जो सराउंडेड हैं अगर उसका टर्जिडिटी बढ़ जाता है द वाल प्रेशर विल बी, तो सेल पे जो वाल प्रेशर होगा, अगर मान लीजिए इसके आसपास क्या है, वाटर कलर ले लेते हैं दैट इज़ ब्लू, ये मान लीजिए कि इसके आसपास क्या है, ये वाटर है, वाटर है, ये क्या है, सेल है, सेल है। अब सेल है, इसका अगर मान लीजिए टर्जिडिटी बढ़ जाता है तो सेल के वाल पे प्रेशर बढ़ेगा, डिक्रीज होगा या फ्लक्चुएट करेगा, और डी रिमेन अनचेंज, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अगर मान लीजिए कि अगर टर्जिडिटी वाटर का अगर बढ़ता है तो आपका वाल पे जो प्रेशर लगेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वाल का वाल पे प्रेशर लगना बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 है ऑस्मोटिक प्रेशर इन द लीफ सेल इज पॉजिटिव ड्यूरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर लीफ में कब पॉजिटिव होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इन द लीफ सेल इज पॉजिटिव ड्यूरिंग कब पॉजिटिव होता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है आपका एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, जब ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है, लो ट्रांसपायरेशन, और ऑप्शन सी दिया हुआ एक्सेसिव ऑब्जॉर्प्शन, और डी दिया हुआ है गटेशन। आप लोग यहाँ फंसिएगा, मान लीजिए गटेशन तो क्या होता है, नाइट के टाइम होता है, नाइट के टाइम
और गटेशन क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, अब दो टाइम में होता है, तो गटेशन भी हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, वाटर का लॉस ही हो रहा है, वाटर तो लॉस ही हो रहा है ना सर। और एक्सेसिव अगर ट्रांसपायरेशन होगा आपका तो भी क्या होगा, वाटर का लॉस हो रहा है। तो जो अगर मान लीजिए एक लीफ दिया हुआ है, ये लीफ है आपका, अगर गटेशन से भी क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है डी प्रोसेस के थ्रू, और ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी क्या हो रहा है, एक मिनट, और ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। तो अगर ज़्यादा अगर ट्रांसपायरेशन होगा, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका क्या होगा, उस टाइम में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन। आज हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था, होप करते हैं आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सभी आपके PYQ क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पिछले वर्ष सॉरी नीट के पिछले जो भी साल के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं। और होप करते हैं आप लोग मस्त एकदम पढ़ रहे होंगे, और जितना भी आपका PYQ का क्वेश्चन है तो उसको छोड़ना नहीं है हमें, उसे करते रहिए। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि एक लेवल का जितना भी PYQ होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से कराते रहेंगे। चलिए आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू, बाय बाय। आपका सपोर्ट की बहुत हमें ज़रूरत है, और आशा करते हैं कि आप लोग का इसी तरह से अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत ही जल्दी 1K सब्सक्राइबर को हिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, ताकि जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक लेवल का क्वेश्चन उनके पास मिल पाए। और बाकी वैसे तो आप कहीं से भी कर लीजिएगा, लेकिन एक बेटर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जो हम आपको करा रहे हैं। और आप लोग एक बोले तो आप सोशल वर्क कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, यहाँ से भी एक वीडियो को शेयर करके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।